पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। श्री पोखरियाल जी, इस स्कूल के अन्य शिक्षक साथी, प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब काला सर नेगी जी का और इस कॉलेज के समस्त प्राध्यापकों का और आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां पर बुलाया और इस नई जनरेशन से मुखातिब होने का मौका दिया। प्यारे छात्र छात्राओं, आज जैसे कि फेयरवेल का ये आपका प्रोग्राम है, आप लोग टेंथ पास करके आगे के जो आपके सपने हैं, जो अभी गीत गा रहे थे, ना भूल पाएंगे सपनों को पंख लगाएंगे, तो पंख तभी लगेंगे जब आप उसके लिए कुछ दिमाग में रखे होंगे कि आपके पास सपना क्या है। मैं ये देखता हूँ अपने इस क्षेत्र में, सामान्य तौर पर इसी क्षेत्र में नहीं, पहाड़ के लगभग हर क्षेत्र की एक ही कहानी है कि उन्हें आगे क्या करना है इसका कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। एक सिस्टम है, रूटीनल जो चल रहा है उसी के, मेरे दोस्त ने ये किया तो मैं भी ये करूँगा, दूसरे ने किया तो तीसरे ने यही काम किया, उसी तरीके से वो एक के पीछे एक चलते चले जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या होता है, क्योंकि क्षेत्र में एक जो अवेयरनेस का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम है और उस अवेयरनेस का असर आपके करियर पर पड़ता है। आपको क्या डिसाइड करना, करियर का मतलब होता है कि जीवन यापन करने के लिए एक ऐसा साधन जिससे हम गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, अपने परिवार को खुद को एक गरिमापूर्ण जीवन बिता सकें, ऐसा कोई कार्य जो हमें फ्यूचर में करना हो। तो प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे आप लोग अब नाइन्थ के स्टूडेंट तो यहाँ पे हैं, टेंथ के बाद आपके मन में भी कुछ विचार होगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा सा मैं इसी पर बोलना चाहूँगा कि आप टेंथ और ट्वेल्थ के बाद क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन और पीजी के बाद क्या कर सकते हैं, उस पर मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे जो बच्चे अभी टेंथ में है, किसी ने कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है, कोई बताएगा मुझे? शर्माना नहीं है, बोलिए आप लोग, शर्माना नहीं है। देखो पहाड़ के बच्चों में एक कमी यह है कि थोड़ा दब्बूपन रहता है, वो शर्माते कि मेरे बदले का पड़ोसी पूछ ले। बिल्कुल आप लोग पूछिए यदि किसी को कुछ पूछना है, इंटरेक्शन का मतलब यही होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो उसमें फिर आनंद नहीं आता। बताइए किसी के पास कुछ सोच है कि उसने आगे क्या करना है, बताइए भाई बच्चों। अरे कुछ तो मन में होगा कि टेंथ किया फिर इलेवेंथ ट्वेल्थ सीधे, मतलब जो एक सिस्टम है उसी के हिसाब से चलना है कि आपने कोई टारगेट लेके चला कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर मुझे वहां पहुंचना है, बताओ। अरे कोई तो पूछ, बताओ भाई। हाँ बोलो बोलो बोलो। इंजीनियर। अच्छा इंजीनियर बनना है, ठीक है बैठो, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? इसके लिए ताली बजाओ। देखो पहली कमी, बैठिए आप बैठिए, पहली कमी बच्चों में यही होती है कि पूछने से घबराते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है, सवाल कोई गलत नहीं होता यदि आपने सही नियत के साथ पूछा है, तो आप पूछिए। बीच बीच में यदि आप लोग पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी जो बातें हैं मैं आपको संतुष्ट कर पाऊं या जो आप चाहते हैं उसका कुछ जवाब हो रहा है। इस उपलक्ष्य पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। आज हमारे विद्यालय में 10 के सीनियर स्टूडेंट्स का आज फेयरवेल है तथा हम कक्षा नवम वाले उन्हें विदाई समारोह की अनेक बधाई दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि अभी हमारे सामने कार्यक्रम हुए और आपके लिए, आप इन सब में सबसे प्रमुख थे तथा यह सब आपके लिए हुआ। आप जिस प्रसन्न मन से यहाँ पर आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसी प्रसन्न मन से अपने बोर्ड का एग्जाम दे तथा हमारे विद्यालय व अपने माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दे तथा आप सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग बोर्ड में प्रथम अंक एवं मेरिट लिस्ट में आए
तथा आप सभी लोगों का आज खुशी का दिन है तथा दुखी का भी दिन है। आज आप सभी लोगों का इस पवित्र विद्यालय में आखिरी दिन है तथा आप सभी लोग यहाँ पर सबसे प्रमुख हैं तथा मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। खत्म हुआ स्कूल का सफर, हम अलविदा कह चलेंगे। खत्म हुआ स्कूल का सफर, हम अलविदा कह चलेंगे। अंत में आंखें नम हैं, दिल में गम है। अंत में आंखें नम हैं, दिल में गम है। इस स्कूल की बिल्डिंग को देखकर सारी पुरानी बातें कम हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि आचार्यगण, आचार्य दीदियां एवं मेरे 9th एवं 10th के प्रिय भैया बहनों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज हम 10th की फेयरवेल पार्टी में उपस्थित हैं। फेयरवेल यानी दो शब्दों का जोड़, फेयर और वेल। फेयर का अर्थ है सफर, वेल का अर्थ है अच्छा, यानी फेयरवेल का अर्थ हुआ अच्छा सफर। मैं आप सबका इस फेयरवेल समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। उसी में से आपने देखा होगा कि अभी एक नई नियुक्ति हरेंद्र नेगी जी जो हैं, वो भी हमारे पढ़ाए हुए छात्र हैं। और आज जो है अभी डॉक्टर चंदन सिंह रावत जी जो हैं, वो भी आज अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में आप लोग भी ऐसे ही जो है हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके इस विद्यालय को अग्रसर करेंगे। अब जिनके सानिध्य में यह विद्यालय, जो कि समाज सेवा में अपने पूरा काल देते रहते हैं और हर फील्ड में वो अपना काम समाज सेवा का पत्रकार द्वारा आगे पहुँचाते रहते हैं, एवं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य कर्मठ एवं जुझारू हमारे विद्वान अखिलेश शुक्ला जी, प्राचार्य जी एवं इस विद्यालय के आचार्य बंधु भगिनी एवं प्यारे भैया बहनों एवं इस विद्यालय में पहुँचे हमारे पुरातन छात्र डॉक्टर चंदन जी, इनको हमने जैसे आप लोगों की तरह यहाँ पे हमने आप इन लोगों को संबोधित किया था, तो आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि वो भी हमारे बीच पहुँचे हुए हैं। मैं ज़्यादा में कहते हुए यही कहूँगा, आज विदाई का जो समारोह है इसको आप लोगों को बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और लग रहा है आप लोगों ने बड़ी तैयारी भी की है। आपने यहाँ पे 12 साल लगाए, 7 साल शिशु मंदिर में और 5 साल आपने लगभग 12 साल आप लोगों ने इस प्रांगण में, इस शिशु विद्या भारती के प्रांगण में आप लोगों ने मनाया यहाँ पे। और अपना एक घर से दूसरे घर में भी बहुत दूर गए होंगे आप लोग, क्योंकि कई भैया बहन क्या होते हैं, कोई 9th में आए होंगे तो थोड़ा दूसरी विद्यालय से कई लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर भैया बहन हमारे शिशु मंदिर से ही आते हैं। और वो लोग जो है 12 साल का जो कुंभ का मेला होता है, लगभग 12 साल में एक मेला आता है कुंभ का, वो पूर्ण आप लोगों ने यहाँ पे किया है। हम ये कहते हैं कि जो आपके संस्कार हैं, ये संस्कार आपके वही रहने चाहिए जो आपके शिशु मंदिर में थे, विद्या मंदिर में थे। अभी हमको प्रोफेसर साहब ने बताया कि आपको किस फील्ड में जाना है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से सिखाया, वो बहुत विद्वान लोग हैं, उनके सामने हम कुछ नहीं है, उन लोगों ने आपको बताया कि आप कहाँ जाना है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, 11th में गए, पता चला कि उसको एरोनॉट्स बनना है, उसने फिजिक्स के साथ जो है बायो भी ले ली, कि उसने फिजिक्स तो है ही मेरी, फिजिक्स क्या होता है कि जो बायो वाला फिजिक्स के साथ होता है फिजिक्स छूट जाती है फिर आगे जाती है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने आपको इस तरह से समझाया, बहुत अच्छा समझाया, और आप उनको अपने मनन करेंगे, अपने उसमें मन में ये नहीं कि भूल जाना है, उनको मनन करना है। और 9th वाले भैया बहनों को यही वो कहेंगे कि आप जो है जो 10th के भैया बहन हैं उनसे सीखें कि वो किस तरह से आप लोगों को जो है कैसे मेहनत करते थे, आप लोगों को उनके चरण में चलना चाहिए, चरणों में चलना चाहिए। और जो है भगवान बिंदेश्वर ने हमको बहुत अच्छा ये दिया है, यहाँ पे वरदान दिया है कि आपको शिशु मंदिर विद्या मंदिर जैसे जगह में पढ़ने का मौका मिला। ये खुशनसीब लोग होते हैं जो शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। आज हमारे जो है शीर्ष स्थानों पे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जगह पे जो है, अभी देखा होगा आपने जो अभी UKSC का कभी पेपर अभी निकला है, रिजल्ट निकला है,
उसमें ज़्यादातर भैया बहन जो हमारे विद्या मंदिर शिशु मंदिर से निकले, ये हमें वहाँ पे फख्र होता है, गर्व की बात होती है। यहीं थलीसैंण में हमारे भैया बहन जो है अभी भी कई लोग जो है अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो भी हमारे विद्या मंदिर शिशु मंदिर से निकले हुए कई मानता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज अपने विद्यालय में इस सत्र का जो अंतिम कार्यक्रम है, शुभकामना एवं आशीर्वाद समारोह, दो शब्द हैं शुभकामना, आपके उज्जवल भविष्य की जो है हम शुभकामनाएँ करते हैं तथा माँ सरस्वती से आपके भविष्य के लिए आशीर्वाद की भी मांग करते हैं कि आपको हमेशा माँ सरस्वती अच्छा आशीर्वाद दें, आपके जीवन में आपके मार्ग की जो बाधाएं होंगी उन बाधाओं को जो है नित्य जो है दूर कर आपके जीवन को सफल बनाएं। ऐसा ये शुभकामनाएं आशीर्वाद समारोह आज आप सबके बीच में यहाँ पर आप सबके द्वारा आयोजित किया गया है। तो जैसा कि कक्षा दसम के भैया बहनों ने विगत 5 वर्षों से इस विद्यालय में अध्ययन करके इस विद्यालय की बहुत सारी अच्छाइयाँ ग्रहण की होंगी, तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि आप उन अच्छाइयों को जो है अन्य विद्यालयों में, जिन भी विद्यालयों में जाएंगे, उन विद्यालयों में इस विद्यालय की अच्छाइयों का बखान करते हुए अपने आने वाले भविष्य को जो है उज्जवल बनाएंगे, तथा जहाँ भी आप पढ़ेंगे, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में आप आगे इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे, उस क्षेत्र में अपने जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों के जो अध्यापक और गुरुजन हैं उनका जो है हमेशा जो है सम्मान करना सीखेंगे, और आने वाले विद्यालयों में भी जहां आप जाएंगे पढ़ेंगे वहां के गुरुजनों का भी जो है इसी प्रकार सम्मान करेंगे। तो आज खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि हम जिस स्कूल में हम एक साथ पढ़े लिखे, जहां हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे दोस्त मिले, हम उस स्कूल और शिक्षकों को अलविदा कहने जा रहे हैं। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि हमें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। गुरु बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरु बच्चों को समझाते हैं, गुरु ज्ञान का पाठ सिखाते हैं, गुरु ही हमें किसी को अच्छा इंसान बनाते हैं। आज मैं यहाँ पर जो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण आभार मैं अपने शिक्षक गणों का करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, वह अनंत काल तक को प्रभावित करते हैं, वे कभी नहीं बता सकते कि उनका प्रभाव कहाँ तक जाएगा। एवं मेरे प्यारे भैया बहन, जैसे कि आप सबको विदित होगा कि आज हम यहाँ किस उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए हैं, आज हम दशम के विदाई समारोह पे के उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए हैं। वैसे तो आज खुशी व दुख का दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु दुख इस बात का है कि हमने जिस स्कूल में एक साथ पढ़ा लिखा है और जहां हमें अच्छे शिक्षक व अच्छे दोस्त मिले हैं, आज हम उन्हें अलविदा कहने वाले हैं। हमारे शिक्षकों ने हमें हर रास्ते, हमें अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया है, उन्होंने हमें सभी प्रकार से सहयोग किया है और हर कदम पर हमारा साथ दिए हैं। इसके लिए मैं सभी शिक्षकों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, और अनजाने में कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद। आप सबको ज्ञात है कि हम यहाँ विदाई समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इस पे दो शब्द बोलना चाहती हूँ, यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर देना। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षकगण एवं मेरे भैया बहनों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे लिए यह विदाई समारोह का आयोजन किया है। हमारे शिक्षक गणों ने हमारे जीवन में अमूल्य योगदान दिया है, जो उन्होंने हमें पढ़ाने में कड़ी मेहनत की है। हम उसका परिणाम परीक्षा में अवश्य दिखाएंगे। एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जो भी आपने हमारे लिए किया है, उसके लिए
धन्यवाद। और बहनें भी आते जाएंगे और लेते जाएंगे और फिर यहाँ से अपनी सीट पर बैठते जाएंगे। कक्षा दसवीं बीच में आ जाओ। आज हमारे विद्यालय के कक्षा नवम के भैया बहनों द्वारा अपने विद्यालय के सर्वोत्तम कक्षा दसम के भैया बहनों को अपने विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाओं से भरी विदाई दे रहे हैं। आज स्कूल के इस विदाई प्रांगण में आदरणीय महानुभाव सम्मानित प्रधानाचार्य आचार्य आचार्य सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। मैं पुनः कक्षा दसम के भैया बहनों को विद्यालय परिवार की ओर से विदाई के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। धन्यवाद। चंदन जी और अपने अभिभावक डॉक्टर ममगाई जी और मेरे सहपाठी आचार्य बंधु एवं भगनियों, प्यारे भैया बहनों, जैसा कि आप लोगों को विदित है आज हम लोग यहाँ पे अपना विदाई शब्द हट के देख रहे होंगे आप बोर्ड पे एक नया शब्द आ रखा है आशीर्वाद एवं शुभकामना। तो सर्वप्रथम मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जीवन के जिस भी क्षेत्र में पहुँचें तो अपने विद्यालय का नाम रोशन करते रहें और जहाँ भी रहें इस विद्यालय को याद करते हुए रहें। अभी तो मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ कि अभी हमारे पास जो आज के मुख्य कार्यक्रम अध्यक्ष आए थे श्रीमान राव जी, प्रोफेसर हैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज में और एक व्यवसाय प्रोफेसर का होने के नाते, लेकिन उनकी जो भावना है समाज के सहयोगी या हमारे समाज के जो भैया बहन हैं या जो छात्र छात्राएँ हैं अधिक से अधिक समाज में अच्छा कार्य करें, तो आजकल उनका बहुत दिनों से मतलब लगभग इस थलीसैंड क्षेत्र के कई विद्यालय में, कल परसों कपरौली में देख रहे होंगे वहाँ भी विदाई कार्यक्रम में थे, इससे पहले नीचे बैजरो गए थे वहाँ भी वो विदाई कार्यक्रम में थे और आज अपने मध्य में थे। केवल और केवल उद्देश्य यही है कि समाज में जो है आज का जो छात्र है वो आगे समाज में उसने बढ़ना तो है ही, लेकिन समाज में जाए तो अच्छी भावना के साथ और अपना अच्छा उद्देश्य लेके